ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो थ्री स्टेप्स, अ सिंपल थ्री स्टेप्स। नंबर वन, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर टू, यू नीड टू फिल अ फॉर्म। वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर थ्री, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनी वेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश रहती है इस चैनल के जरिए आपको लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना। सो आज का जो हॉट टॉपिक बन गया जी वो है जो न्यूज़ लेटेस्ट आई है कि कल से यूके में कंप्लीट लॉकडाउन हो रहा है। कंप्लीट मतलब फुली कंप्लीट लॉकडाउन जैसे कि पहले हुए थे। इसका कारण है कि जो उनके वहाँ सेकेंड कोविड की जो वेरिएशन मिली है, म्यूटेशन मिली है, उसके कारण ये प्रॉब्लम बढ़ी है। और जो कि पिछले 7 डेज में ऑलरेडी उन्होंने न्यू ईयर से पहले लॉकडाउन लगाया था एक, लेकिन उस लॉकडाउन के दौरान भी वहाँ पर 50,000 केसेस पर डे मिले हैं, पिछले 7 दिन का रिकॉर्ड है। उससे पहले ये जो गिनती होती थी ये 30,000 से 35,000 रहती थी। सो इस टेंशन को, इस वरी को देखते हुए उन्होंने इस लॉकडाउन को तकरीबन 1.5 मंथ के लिए लगाया, मतलब फेब्रवरी मिड तक अप्रॉक्सीमेटली ये लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ बोरिस जॉनसन ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि मैं अश्योर करता हूँ कि ये हमारा लास्ट लॉकडाउन होगा, बिकॉज इसी लॉकडाउन के दौरान यूके में भी वैक्सीन, जैसे इंडिया में अप्रूव हो चुकी है तो यूके में भी जो वैक्सीन है वो अप्रूव हो चुकी है और वो इसी लॉकडाउन के दौरान ही लगनी शुरू हो जाएगी। सो इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड, इसमें यह भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये मिड ऑफ फेब्रवरी से पहले भी ये लॉकडाउन हट सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि जो वैक्सीन है वो आने वाले दिनों में कितने लोगों तक पहुँच पाती है और उसका क्या रिएक्शन लोगों के ऊपर रहता है, मतलब वो कितनी इफेक्टिव प्रैक्टिकली कारगर होती है या नहीं होती है, वो सब चीजें डेफिनेटली रोल प्ले करेंगी। बट इसके दौरान अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, जो मेजरली बच्चों का कंसर्न होता है ट्रेवलिंग, एंड सेकंड कंसर्न है वीजा प्रोसेस। सो वीजा प्रोसेस में इसमें कहीं भी कोई भी इफेक्ट आपको नहीं आने वाला है, बिकॉज वर्किंग वहां पर अलाउड है, नॉट ऑल द प्लेसेस बट एम्बेसीज उसमें कहीं भी एग्जेम्प्टेड नहीं है, मतलब वो काम कर रही हैं अपना। सो वो आपका जो प्रोसेस है जी वो चलता रहेगा। यूनिवर्सिटीज के कास्ट लेटर, ऑफर लेटर्स, एवरीथिंग विल स्टे इन प्रोसेस। मार्च इनटेक बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्लाई करेगा। जनवरी इनटेक स्टूडेंट अभी वीज़ा ले रहा है, उसके पास 3 मंथ का वीज़ा है तो डेफिनेटली उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कुछ बच्चे इसमें अटक सकते हैं जिनका लास्ट जो था वो इनटेक का आया था लेकिन वो उस टाइम फ्लाई नहीं कर सके, उन्होंने इस इनटेक में फ्लाई करना था, तो माइट भी उन बच्चों को रीस्टैम्पिंग दोबारा जो है वो अलाउ करेगा यूके। सो डेफिनेटली उन चीज़ों में भी आने वाले दिनों में हमें रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। बट किसी तरह से नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस चलते रहेंगे, सिस्टम चलते रहेंगे। जिनकी ऑनलाइन क्लासेज हैं वो लगाते रहें, जो फ्लाइंग है वो पहले भी स्टार्ट हो सकती है और एग्जेम्प्टेड केसेस में वो बीच में भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन एग्जेम्प्टेड केसेस कौन से होंगे कौन से नहीं ये आने वाले 1-2 दिन में उसके ऊपर पूरी क्लैरिटी आएगी। सो आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे, बट इन द मीन टाइम अभी जो मार्च इनटेक है उसके लिए जो प्रोसेस चल रहा है, ये जैन के लिए प्रोसेस चल रहा है, वो कहीं पर भी हर्ट नहीं हो रहा है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।